हेलो दोस्तों, मैं हूं राजपूत सरफराज और आप देख रहे हैं शिफ्ट टैग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक जिसमें आपको खुशखबरी मिलने वाली है और दूसरा टॉपिक है जिसमें आपको दुख खबरी मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आप लावा के कस्टमर हैं तो आपको खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर आप एयरटेल या वोडाफोन आइडिया का सिम चलाते हैं तो आपको दुख खबरी मिलने वाली है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं दुख खबरी के बारे में। खुशखबरी मैं बाद में बताऊँगा आपको, पहले दुख खबरी सुन लीजिए। तो अगर आप एयरटेल के और VI के कस्टमर हैं और आप 49 वाला रिचार्ज कराते थे तो वो अब रिचार्ज आपको कम वैलिडिटी में मिलेगा। कंपनी ने अब 28 डेज का प्लान बढ़ा दिया है, 79 रुपीज़ में आपको ये मिलेगा जो पहले आपको 49 में मिलता था। और 49 की बात करें तो अब 16 डेज की वैलिडिटी इसमें मिल रही है, 16 दिन की वैलिडिटी के साथ अब ये आपको मिलने वाला है। और 79 में आपको 49 वाला रिचार्ज मिलेगा। अब 79 में एक पैसा सेकंड के साथ आपको 64 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलेगा, 64 रुपीज़ का टॉक टाइम मिलेगा जिससे आप बात कर सकते हैं। तो ये एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पहले 49 का ये रिचार्ज होता था, अब 79 का होगा। और बात करें उससे पहले की, तो पहले ये 35 का ही होता था, तो कंपनी अब इन प्लान को बढ़ाते जा रही है। तो बेटर होगा आप एक ऑपरेटर अच्छा चूज़ करें जिसमें आपको कम बजट में अपना ज़्यादा अच्छा रिचार्ज मिले। तो मैं ही आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जियो फ़ोन में आप अपना जियो का सिम डालें, और उसमें अगर आपको रिचार्ज कराना है तो रिचार्ज कराएं, नहीं कराना है तो आपकी कॉल आती रहेगी। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी कॉल नहीं रुकेगी। बाकी एयरटेल और वी में आप अगर 49 का रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपकी कॉल आनी बंद हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करने वाला हूँ कि क्योंकि जियो फ़ोन में अगर आप 75 का रिचार्ज कराएंगे तो आपको अनलिमिटेड कॉल के साथ 100 MB डेली डाटा मिलेगा और SMS भी 50 SMS पर डे मिलते हैं। तो सोचना आपका है, मैंने आपको सजेस्ट किया है, बाकी आप सोच के डिस्कस करके जो भी आप सॉल्यूशन निकालेंगे वो आप कर सकते हैं। मेरा यही बताने का मतलब था कि आपको सजेस्ट करने का यही मतलब था। बाकी आप जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद नहीं है वो आपके ऊपर बात है कि आपको कौन सा सिम चलाना है या किस में पैसे ज़्यादा देने हैं। तो आज दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं। दूसरे टॉपिक लावा फ़ोन वालों के लिए है। तो लावा फ़ोन के मोबाइल जो चला रहे हैं या जिसकी वारंटी भी निकल गई या कुछ भी हो गया, तो अब कंपनी उसको 100 डेज की वारंटी दे रही है, 100 दिन की वारंटी दे रही है, जिससे आप अगले मोबाइल में लावा के कोई भी फ़ोन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सर्विस सेंटर जाकर उसको रिपेयर करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो कंपनी ने ये बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, 100 दिन की वैलिड वारंटी के साथ आप अपना मोबाइल रिपेयर करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुँच जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।